हर हर महादेव। दोस्तों आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों हम सब HP एग्ज़ाम अफेयर्स के ये MCQs वगैरह कर रहे थे। ये HP एग्ज़ाम अफेयर्स ने बहुत अच्छे MCQ तैयार किए हैं। ये मैं कोई HP एग्ज़ाम अफेयर्स को प्रमोट नहीं कर रहा, ये तो मैं बस इसे पढ़ रहा था तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। तो आज हम पॉलिटी के MCQ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज़ बीन द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, श्री श्रवण कुमार, श्री जयवंत राम, श्री ठाकुर सेन नेगी, या डी सभी। तो इसका आंसर होगा डी सभी। ये जो तीनों थे ये जो थे स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन वर हेल्ड फॉर हाउ मैनी सीट्स इन हिमाचल प्रदेश इन द फोर्थ लोकसभा इलेक्शन इन 1967। तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका उत्तर होगा बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वॉज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, कांगड़ा एंड शिमला, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ऑप्शन 1996, 1970, 1973, 1979। तो इसका आंसर होगा डी 1979 में दो में किया था ये कांगड़ा और शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव, ताकि आसानी से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर YS परमार बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन 1952, हाउ मैनी सीट INC हैड वन आउट ऑफ टोटल 32, A 32, 30, 28, 24। तो इसका आंसर होगा D 24 सीटें जीती थी कांग्रेस ने 1952 जो इलेक्शन हुए थे, कब हुए थे 1952 में। नेक्स्ट है, हु हेडेड द कमेटी अपॉइंटेड इन 1949 टू गो इन टू द इशू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ए डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया, डॉक्टर YS परमार, सी अचान कुंजरू, डी KN पानीकर। तो इसका आंसर होगा ए डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सिस्टम द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट। ऑप्शन है द्विचक्री, त्रिचक्रीय, चतुर्चक्रीय, उप डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी त्रिचक्रीय प्रणाली, 3-tier सिस्टम है पंचायती राज का। ठीक है, बी था पिछले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट द पार्लियामेंट वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा सी पंचायत अधिनियम 1952 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश गेट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर होगा ए 1952। व्हेन डिड डॉक्टर YS परमार बिकम पहला चीफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर भी होगा ए 24 मार्च 1950। नेक्स्ट है, हु वाज द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली 1950, लोक राज्य पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो इसका आंसर होगा बी स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट है, सिंस व्हेन द इलेक्शन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जून 1957। जैसे कि आपको पता है कि 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी और ठाकुर करण सिंह थे इसके अध्यक्ष, तो ये आपको याद रखना है कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1983, न्यायाधीश GS पांडे, न्यायाधीश केदारनाथ सिंह, न्यायाधीश TBR टाटाचारी, न्यायाधीश RS सरकारिया। तो इसका आंसर होगा सी न्यायाधीश TBR टाटाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कोर्ट वाज फाउंडेड ऑन। तो इसका आंसर होगा 17 अगस्त 1983, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा डी पंडित जयवंत राम। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट लेडी MLA हु वाज इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर होगा सी श्रीमती विद्या स्टॉक, कब से कब, 1985 से 1990 तक। नेक्स्ट होगा, नेम ऑफ द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर होगा डी श्रीमती शीला कौल। नेक्स्ट, श्री S चक्रवर्ती वाज द फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा पहले गवर्नर थे तो ए गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर होगा ए चीफ जस्टिस MH बेग। 19, श्रीमती लीला सेठ वाज द फर्स्ट लेडी। तो इसका आंसर होगा सी चीफ जस्टिस, कब से कब तक, 1991 से 1993 तक। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 20,
महात्मा गांधी का हत्याकांड जो हुआ था उसका मुकदमा कब चला, कहाँ चला था 1948 में जो हुआ था, तो इसका आंसर होगा ए पीटरहॉफ। आशा है आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।